लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। रिपु बोरा जी, असम के जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, सबसे मेहनती पीसीसी प्रेसिडेंट, बिना घबराए बिना डरे 24 घंटा वो काम में लगे रहते हैं। और आज यहाँ चुनाव में वो आपके एमएलए बनने के लिए लड़ रहे हैं, और मैं जानता हूं कि आप उनको भारी बहुमत से जिताओगे, और जितनी मेहनत ये आज तक कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत से वो विधानसभा में आपके लिए काम करेंगे, पूरा दम लगा के काम करेंगे और असम को एक नए रास्ते पर ले जाने का काम भी करना। देश में अलग अलग प्रदेश, और मैं इन सब प्रदेशों में गया हूं, घूमा हूं, लोगों से बातचीत की है, उनकी समस्याओं को समझता हूं। असम वो प्रदेश हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे यूनिक प्रदेश। इस प्रदेश में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग सोच है, अलग धर्म है, आदिवासी है, मगर असम का मतलब कि सब एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ एक दूसरे का आदर करके इस प्रदेश में रहते हैं। आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, शंकर देव जी ने, बाकी आपके जो नेता रहे हैं, आइडल्स रहे हैं, उन्होंने आपको सिखाया, और आज ये देश को सिखाते हैं, आप देश को सिखाते हैं। 5 साल पहले यहां बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने असम पर आपकी भाषा, आपकी हिस्ट्री, आपके कल्चर, आपके सोचने के तरीके पर आक्रमण शुरू किया। अलग अलग उदाहरण है, शायद सबसे बड़ा उदाहरण का या सीएए, जो आपकी असामियत पर आक्रमण, आपके वे ऑफ लाइफ पर, आपके जीने के तरीके पर आक्रमण, ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे बहुत हैं। आपको बांटने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, क्रोध फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, एक के बाद एक झूठे वायदे करते हैं, और फिर चुनाव के समय आ जाते हैं और आपसे कहते हैं हमें वोट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने असम के लिए क्या किया, मुझे बता दो, कोई योजना बता दो। उन्होंने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है, असम पर आक्रमण किया है। आपसे कहा था, चाय गार्डन के जो मजदूर है उनसे कहा था कि हम आपको 351 रुपीज देंगे, दिया, मिल गया आपको, मिल गया, मिल गया। कितना मिलता है? 177। आप 177 बोल रहे हो,
बोला 167 170। अब आप बताइए 21वीं सदी में चाय के मजदूर को 167 रुपीज से क्या मिलेगा, क्या कर सकता है? 167 रुपीज से क्या वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकता है? अगर कोई उसके परिवार में बीमार होता है 167 से उसका इलाज हो जाता है क्या? आज के हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। चाय मजदूर को 167 देते हैं और जो आपका है गुवाहाटी में आपका एयरपोर्ट है मोटेबाई एयरपोर्ट, उसमें आपके लिए 2000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए, आसाम को दिए, उस एयरपोर्ट को उठा के अदानी जी को पकड़ा दिया। मैं उदाहरण दे रहा हूं, इधर 167 उधर हजारों करोड़ रुपए एक बार नहीं। अब जब भी असम में कोई हवाई जहाज आएगा, कोई हवाई जहाज में दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा, तो असम से पैसा निकलेगा और अदानी जी की जेब में जाएगा। एक साल के लिए नहीं, 10 के लिए नहीं, 15 के लिए नहीं, 30, 40, 50 साल के लिए। और यहां पे 167, तो हमारी पहली गारंटी 167 नहीं 365 रुपया हम आपको देंगे। और मैं तो कहता हूं, चाय मजदूरों से कहता हूं, हम 365 देंगे, मगर मैं जानता हूं कि यह भी आपके लिए कम है, मगर यह गारंटी करके हम आपको दे देंगे। और मैं यहां खोखले वादे करने नहीं आया हूं, आप जाइए छत्तीसगढ़ जाइए, पंजाब जाइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उधर जाके पूछिए, चुनाव में राहुल गांधी आया था क्या वायदा किया था? मैंने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा। छत्तीसगढ़ में मैंने कहा 2000 रुपए किसान को धान के लिए मिलेगा। पंजाब में कहा किसान का कर्जा माफ होगा। राजस्थान में कहा किसान का कर्जा माफ होगा। आगे पूछ लीजिए। और आपको याद होगा मनरेगा का वायदा किया, मनरेगा लागू किया। किसानों को हमने यूपीए की सरकार थी 72,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया। तो ये खोखले शब्द नहीं, ये मेरा रिकॉर्ड है, जो मैं कहता हूं वो करके दिखा देता हूं। और मैं गारंटी कर रहा हूं, मैं गारंटी करके कह रहा हूं यहां पे 365 मजदूरों को मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए 365 होगा। दूसरी बात, जो आप पे आक्रमण हुआ उसको आप कहां बोलो, उसको आप सीएए बोलो, जो भी उसको आप बोलना चाहते हो बोलो, मगर उसको असम से मिटा के हम फेंक देंगे। और सिर्फ असम में नहीं, याद रखिए पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में हमने इसका विरोध किया है, और इसको हम एक इंच आगे नहीं बढ़ने देंगे। का यहां पे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये असम की जनता पर, असम के इतिहास पर, असम के भविष्य पर यह आक्रमण है, और हम यह आक्रमण नहीं होने देंगे। तीसरी गारंटी, 200 यूनिट बिजली के हर परिवार को हम
मुफ्त में देंगे। थैंक यू मत बोलिए, ये थैंक यू में कोई जरूरत नहीं है, ये आपका हक है। थैंक यू जब बोला जाता है, जब आपका हक नहीं होता आपको कुछ मिल जाता है, ये आपका हक है, कोई थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, ये हमारा काम है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको 5 साल पहले मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला, इसलिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं दूंगा, असम की कांग्रेस पार्टी देगी और आप लोगे। चौथी गारंटी, 2000 रुपए हर हाउसवाइफ को महीने का सम्मान। और पांचवी गारंटी, 5 लाख रोजगार आसाम के युवाओं को। आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, प्रधानमंत्री आते हैं, उन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, याद है आपको, याद है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया याद है ना, हो गया मेक इन इंडिया भैया? वो फोन के पीछे देखो, मेड इन इंडिया लिखा है, मेड इन चाइना, चाइना शर्ट के पीछे देखो, मेड इन चाइना, जूते के नीचे मेड इन चाइना, प्रधानमंत्री कहता है मेक इन इंडिया, और फिर प्रधानमंत्री फोन इस्तेमाल करते हैं उस पर लिखा है मेड इन चाइना। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो हिंदुस्तान की रोजगार बनाने की रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा? नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके। आपसे उन्होंने कहा 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द कर रहा हूं, आपको याद है? याद है ना? उन्होंने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, आप खड़ी थी लाइन में, बैंक में गई आप, खड़ी हुई ना, आपने अपने अपना पैसा डाला बैंक में, काला धन खत्म हो गया, हो गया। वो आपका सारा का सारा पैसा निकालकर नरेंद्र मोदी ने हम दो हमारे दो के जेब में डाल दिया। उसके बाद जीएसटी लागू करते हैं, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स, गरीबों पर टैक्स, सब छोटे बिजनेस, दुकानें, मिडिल साइज बिजनेस जो रोजगार पैदा करते हैं सब के सब खत्म हो गए। आप किसी भी दुकान में चले जाइए, उससे पूछिए नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ, वो आपको कहेंगे नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। देखिए मैं पूछता हूं आपसे, इस भीड़ में नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? इस भीड़ में जीएसटी से किसी को फायदा हुआ? आप जानते हैं किसको फायदा हुआ? हाँ सही बोला, दूसरे नंबर पे किसको हुआ? अंबानी को हुआ, अदानी को हुआ, बीजेपी के नेताओं को हुआ, आसाम की जनता को नहीं हुआ। और जो पहले रोजगार मिलता था खत्म हो गया, गायब हो गया। और आज आसाम का युवा चारों ओर घूमता है, रोजगार ढूंढता है, मगर उसको आसाम में रोजगार नहीं मिलता, बाकी प्रदेशों में भी नहीं मिलता। सरकारी वैकेंसी पड़ी है, हजारों सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, मगर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग उनको नहीं भरते। आपका एयरपोर्ट ले जाएंगे, आपके टी गार्डन उठा के ले जाएंगे, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देगी। तुम्हारा पहला काम उन सरकारी नौकरियों को भरने का होगा, दूसरा काम जो प्राइवेट बिजनेसेस है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसकी मदद करने का होगा, उनको इंसेंटिव देने का होगा, और आसाम में एक बार फिर रोजगार पैदा करने का काम। प्रधानमंत्री ने कहा
कि मैंने गैस सिलेंडर दे दिया। हर भाषण में कहते थे मैंने गैस सिलेंडर दे दिया। भाइयों कांग्रेस के समय यूपीए के समय बहनों गैस सिलेंडर का क्या दाम था? कितना था? 400, 400 था, आज कितना है? 1000 हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने गैस के दाम कम कर दिए। ये लगा इनका आंकड़ा, रेट डबल कर दिया। आपसे कहते हैं गैस पहुंचा दी, दाम कम कर दिया। अच्छा पेट्रोल डीजल के दाम क्या है? मजेदार बात आपको बताता हूं, यूपीए के समय इंटरनेशनल मार्केट पे $140 तेल का दाम था, आज इंटरनेशनल मार्केट पे तेल का दाम बिल्कुल कम हो गया, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 100 रुपए तक पहुंच रहा है। ये किसकी जेब में जा रहा है? ये असम की जनता को मिल रहा है क्या पैसा? कहां जा रहा है ये? हर रोज आप पेट्रोल भरते हो, डीजल भरते हो, आपके जेब में से पैसा निकल रहा है, ये जा कहां रहा है? आपकी शिक्षा में जा रहा है? नहीं। स्वास्थ्य में जा रहा है? नहीं। तो कहां जा रहा है? हम दो, हमारे दो, पूरा का पूरा काम हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3-4 अरबपतियों के लिए करते हैं जो इनके मित्र हैं। अच्छा आप उद्योगपति हो, इनके मित्र नहीं हो तो आपका काम नहीं हो सकता। अगर आप इनके मित्र हो, वो 3-4 मित्र हैं मोदी जी के और नहीं, ज्यादा दोस्त नहीं है उनके, उनका पूरा का पूरा काम होता है। मीडिया में 24 घंटे वो आपको दिखेंगे, जहां भी देखो नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। क्या ये फ्री में होता है? क्या मुफ्त में अपना अपना चेहरा कोई टीवी में डाल सकता है? फ्री में आपको लगता है क्या? मुफ्त में जाके आप अपना चेहरा लगा दोगे टीवी पे क्या? नहीं भाइयों बहनों, पैसा लगता है, लाखों रुपए लगते हैं। तो सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी इन 3-4 लोगों के लिए काम करते हैं, ये 3-4 लोग नरेंद्र मोदी जी का चेहरा टीवी में डालते हैं और नरेंद्र मोदी जी सुनने वाले जी जो आपका है उनको पकड़ा देते हैं। सीधा सौदा है, सिंपल डील है, इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है समझने। तो इसको रोकना है और असम में आपकी सरकार बनानी है, चाहे मजदूरों की, किसानों की, छोटे दुकानदारों की, युवाओं की, आसान की सरकार बनानी है और ये हम करने जा रहे हैं। इसलिए मैं यहां आया हूं कि आप रिपुन बोरा जी को चुनाव जिताइए, इनको विधानसभा में भेजिए, ये आपके लिए काम करेंगे और आसाम में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी जो आसाम के हिस्ट्री को, इतिहास को, भाषा को, भविष्य को बचा के तेजी से विकास लाएगी। मैं जानता हूं यहां पे आपकी एक समस्या है, आपकी पुल की समस्या है, गोपुर बोकाहाट का जो पुल है, यूपीए की सरकार थी, हमने वायदा किया था जैसे हमारी असम में सरकार बनेगी ये हम पुल आपका बनवा के आपको दे देंगे, आपके हवाले कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।